कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयराम कैबिनेट ने स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश में 11 से 22 अगस्त तक स्कूलों को छात्रों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आएंगे। उधर हिमाचल में अब बाहरी राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। रिपोर्ट न होने की स्थिति में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। वहीं राज्य में अब 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही बसों को चलाने का फैसला लिया गया है।